हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी फॉर यू सीजी में, जहां हम लाते हैं बेस्ट प्रॉपर्टी की जानकारी सबसे पहले सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो घर हम आपको दिखाने वाले हैं, इसका लोकेशन बजरंगपारा कोहका भिलाई में मिलने वाला है आपको। और इस घर को बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है और बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रंट एलिवेशन कितना ही सुंदर लग रहा है और इस घर में आपको स्पेस की कहीं भी कोई कमी नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, घर के बाहर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। ये आसपास की पूरी लोकेलिटी है। बात करूं अगर मैं प्लॉट की, तो आपको 30x40 का प्लॉट मिलता है। 1200 स्क्वायर फीट का आपको प्लॉट मिलने वाला है और जिसमें टोटल कंस्ट्रक्शन 1850 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन हुआ है। चलते हैं हम अपने घर के अंदर। जैसे ही हम अपना मेन डोर ओपन करते हैं, आपको आपका पार्किंग स्पेस मिलता है, जो कि बहुत ही स्पेसियस है। आप आराम से इसमें अपनी लंबी गाड़ी, जैसे कि होंडा सिटी वेरना टाइप की गाड़ी, आप आराम से पार्क कर सकते हैं। और इधर साइड में भी आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल, जहां आप अपने टू व्हीलर्स भी इजीली पार्क कर सकते हैं। जैसा कि आप ये डोर देख रहे हैं, ये पूरी सागौन की लकड़ी से बनी हुई है। ये आपका मॉस्किटो पैनल वाला डोर है। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदी या बिक्री का प्लान बना रहे हैं, तो आप एक बार हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। अब चलते हैं हम अपने घर के अंदर। तो जैसे ही हम घर के अंदर इंटर करते हैं, आपको आपका लिविंग एरिया देखने को मिलता है, जो कि स्पेस के मामला में कहीं से भी कोई कमी आपको यहाँ नहीं मिलती है। और बहुत ही खूबसूरत सा फॉल सीलिंग आपको आपके लिविंग एरिया में मिलता है, जो आपके लिविंग एरिया को और भी सुंदर बनाता है। वेंटिलेशन के लिए सामने बड़ी सी विंडो दी गई है और ये घर जैसा आपको दिख रहा है, एज इट इज़ आपको ये घर मिलने वाला है। एकदम रेडी टू मूव घर ये है। अब चलते हैं हम अपने किचन की तरफ। तो ये आपका किचन है। किचन अभी नॉर्मल रखा गया है, इसे आप मॉडलर किचन, अगर आप मॉडलर किचन चाहते तो इसे मॉडलर किचन बना के दे सकते हैं। यहाँ आपको फ्रिज के लिए स्पेस दिया गया है। जो प्लेटफॉर्म बने हैं वो पूरे मार्बल के प्लेटफॉर्म हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और यहाँ पे आपको स्टील की सिंक देखने को मिलती है। इस घर में आपको पर्सनल बोर भी मिलता है। किचन से लगा हुआ आपको आपका यूटिलिटी स्पेस मिलता है, जो कि स्पेस वाइज बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस घर में आपको स्पेस की कहीं भी कोई कमी नहीं होने वाली है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। चलते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। यहाँ पे भी सामने बड़ी सी विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए और बहुत ही खूबसूरत सा फॉल सीलिंग भी यहाँ आपको देखने को मिलता है विद सरफेस लाइट। फर्स्ट बेडरूम में आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलता है। ये आपका वॉशरूम है और वॉशरूम में भी आपको सारी फिटिंग्स मिलती है। किसी भी चीज की आपको यहाँ कोई कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको आपका वॉश बेसिन मिल जाता है। यहाँ पे आपको छोटा सा स्पेस भी देखने को मिलता है, तो आप इसे स्टोर के जैसा यूज़ कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको एक कॉमन वॉशरूम मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस वॉशरूम में भी आपको सारे फिटिंग्स मिलने वाली हैं। किसी भी तरह की कोई भी कमी आपको इस घर में देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी हमने देखा ग्राउंड फ्लोर, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ।
ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर में भी आपको आपका एक छोटा सा लिविंग एरिया मिलता है और उस लिविंग एरिया में भी आपको बहुत ही सुंदर सा फॉल सीलिंग देखने को मिलता है विद सरफेस लाइट। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो ये आपका सेकेंड बेडरूम है, यहाँ भी आपको स्पेस, जैसा कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि स्पेस की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। सामने बड़ा सा विंडो दिया गया है वेंटिलेशन के लिए और यहाँ भी आपको बहुत ही सुंदर सा फॉल सीलिंग देखने को मिलता है। सेकेंड बेडरूम में भी आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलता है। ये आपका सेकेंड बेडरूम का वॉशरूम है और इस वॉशरूम में भी आपको सारे फिटिंग्स अवेलेबल है। जो भी फिटिंग्स आप देख रहे हैं वॉशरूम में, सब A1 क्वालिटी के मटेरियल यूज़ किए गए हैं। अब चलते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये आपका थर्ड बेडरूम है, ये भी बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया और यहाँ भी आपको बहुत ही खूबसूरत सा फॉल सीलिंग देखने को मिलता है। वेंटिलेशन के लिए बड़ी सी विंडो यहाँ भी दी गई है। अब हम चलते हैं अपने बालकनी की तरफ। तो ये आपका बालकनी है, अब चलते हैं हम अपने टेरेस की तरफ। तो ये आ गए हम अपने टेरेस पे। आसपास का आप लोकेशन देख ही सकते हैं, पूरा बसाहट के बीच में आपको ये घर मिलता है। किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको यहाँ नहीं होने वाली है। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।